भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मोहम्मद शाकिर अंसारी ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने के खिलाफ धरना दिया। मोहम्मद शाकिर ने कहा कि एक व्यक्ति ने कब्जा करते हुए 2 मंजिला मकान बना लिया, लेकिन 3 साल से मैं ज्ञापन दे रहा हूं, विभाग ने एक नजर तक नहीं दौड़ाई। काशीपुर में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद शाकिर अंसारी ने तहसील परिसर में एक दिवसीय धरना दिया। उनका आरोप है कि नगर के वार्ड नंबर 27 में एक व्यक्ति ने सरकारी भूमि पर 2 मंजिला मकान बनाकर अवैध कब्जा किए हुए है, जिसके बारे में पिछले 3 सालों में कई बार संबंधित अधिकारियों से इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन शिकायत पर किसी भी अधिकारी ने संज्ञान नहीं दिया। अंसारी ने चेतावनी दी है कि यदि अतिशीघ्र कब्जा नहीं हटाया गया तो वो धरना प्रदर्शन कर आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश है कि सरकारी भूमि पर कहीं भी अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मार्केट में लोग अगर 1 फुट दुकान से बाहर काउंटर निकाल लेते हैं तो पूरी मार्केट तोड़ देते हैं, ये सब एक हो जाते हैं, तो आप स्टैम्प टालम टूली क्यों नहीं होती और अब टालम टूली क्यों हो रही है? मैंने डीएम साहब से बात करी थी, वो नैनीताल हाई कोर्ट में। मैं आज पेट्रोल डाल के आग लगाऊंगा मोहम्मद शाकिर अंसारी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, मेरी सरकार है और ये अधिकारी मेरी सरकार में काम कर रहे हैं और ये अतिक्रमण का काम न हो, जबकि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी, तो फिर बेकार इनका रहना। इस मामले पर तहसीलदार यूसुफ अली ने जानकारी देते हुए बताया कि ये प्रकरण नगर निगम से संबंधित है, लेकिन जहां पर अतिक्रमण है वो आबादी में दर्ज है, लेकिन इसकी पूर्णतया जांच कराई जाएगी। अगर सरकारी भूमि पर किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जो प्रकरण है नगर निगम से संबंधित है और हमारे राजस्व अभिलेखों में जो है जिस कुएं की बात ये कर रहे हैं वो आबादी में दर्ज भी है, वो जो कुआ है उसका आबादी में है और उसका हमारे यहाँ आबादी का नंबर है और इसमें जो है अभी राजस्व निरीक्षक से अभी आख्या ले ली गई है और उसको जो जिलाधिकारी महोदय को जो है प्रशिक्षित कर दी जाएगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।